तुम दोनों का आपस में कोई झगड़ा है क्या? तुम बातचीत नहीं कर रहे हो। अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ, मैं करती हूँ सोफी से बात। तलाक दे दी मैंने उसे। You're no longer together. You've divorced her? But... और मैं नहीं चाहता आप इस मामले में मुझसे कोई भी वजाहतें मांगे। थैंक यू। क्या मसला है? क्यों मन किया? हानिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अभी तक तो ठीक है, लेकिन अगर घर का माहौल इसी तरह डिप्रेसिव रहा ना, तो मेरा भी दिमाग ठीक नहीं रहेगा। इस घर में एक मौत हुई है। तो अब हम इस घर को कब्रिस्तान बना दें? हमारे भी तो माँ बाप इस दुनिया से चले गए। जिंदगी है, हो जाता है। आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन। कब तक रोते रहेंगे सब लोग? और तुम क्या करते फिर रहे हो? मतलब इस घर में सारे नौकर कहाँ हैं? तुम क्यों उसका सामान उठाए घूम रहे हो? हनिया, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती है, तुम समझना नहीं चाहती हो। असल में तुम सबने मिलके उसको सर पे बिठा लिया है। तुम लोगों को समझ नहीं आता कि क्या करना है। वो कोई पहली लड़की नहीं है जिसके बाप का इंतकाल हो गया। हनिया, बिहेव योरसेल्फ। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं। कोई मसला है क्या? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा मुर्तजा, मैं ये कहने आई थी कि मेरे ख्याल से आफरीन को सिर्फ यहाँ शिफ्ट करना काफ़ी नहीं होगा। पूरा दिन बेचारी करीम चाचा के बारे में सोचती रहती है। तुम कभी उसको बाहर ले जाया करो ना, हमें उसका ये पैटर्न ब्रेक करना चाहिए। मैं कुछ करता हूँ। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम उसको पेरिस ले जाओ या स्विट्जरलैंड ले जाओ, शॉपिंग करवाओ, क्या पता उसका दिमाग थोड़ा चेंज हो जाए।